हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत है टेक्नो अमान। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोकिया के कुछ नए फोन के बारे में। हाँ दोस्तों, नोकिया ने अपने कुछ नए फोन लॉन्च कर दिए हैं जिसका नाम है 2.1, 3.1 और 5.1। तो ये तीनों फोन के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और आज के वीडियो को लाइक कर दो। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं यहाँ की बैकग्राउंड वॉइस क्वालिटी, तो उसके लिए मैं बहुत माफी मांगना चाहूंगा। यहाँ के बच्चे बहुत चिल्लाते हैं, अभी थोड़े दिन के लिए आप समझ लो, फिर उसके बाद तो हमारा वापस अपना सेटअप में चले जाएंगे। और बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे थे, नहीं हमारा रियल सेटअप नहीं है, हमारा और नया सेटअप है, तो वहां जरूर जाएंगे, बहुत जल्दी जाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नोकिया 2.1 के बारे में। दोस्तों, इसमें आप लोग को मिल जाता है 5.5 इंच का डिस्प्ले, जो आप लोग को HD+ का डिस्प्ले मिलता है। तो डिस्प्ले वाइज थोड़ा ठीक है, ये क्योंकि बजट सेगमेंट वाला है। नोकिया 2 आया था तो नोकिया 2.1 भी बजट सेगमेंट वाला होगा, जो IPS LCD डिस्प्ले होने वाला है। बात करते हैं प्रोसेसर की, तो इसमें आपको कोलकॉम का MSM8917 स्नैपड्रैगन का 425 के प्रोसेसर के साथ आता है, जो 1.4 गीगाहर्ट्ज़ में क्लॉक्ड है। इंटरनोस का 308 आपको GPU मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से प्रोसेसर इतना भी बुरा नहीं है, अच्छा प्रोसेसर है। बात करते हैं कैमरा की, तो 8 मेगापिक्सल का आप लोगों को सिंगल LED फ्लैश बैक में मिल जाता है, जो आप लोग को 1080 की रिकॉर्डिंग कर लेता है। यार मेरे हिसाब से अच्छी बात है, तो अच्छी बात है। और बात करते हैं फ्रंट कैमरा की, तो 5 मेगापिक्सल का आप लोग को फ्रंट कैमरा देखने मिल रहा है, जो फिक्स्ड फोकस आता है वो आप लोग को मिल जाता है। बात करते हैं इसकी, वो एडिशन मिलता है आप लोगों को प्योर एंड्रॉयड, जैसे आप लोगों को पता है 4000 mAh की आप लोगों को बैटरी दे दी गई है। तो बैटरी वाइज ही पूरा बैटरी सेंट्रिक फ़ोन है, तो बैटरी बहुत अच्छी गई है, सिंगल सिम के साथ आता है। मेरे हिसाब से ये फ़ोन भी बहुत अच्छा है। आप लोगों को इसमें हेडफोन जैक मिल जाता है, ब्लू और कॉपर ब्लू में आपको मिल जाता है, सिल्वर ग्रे और ग्रे, ये कलर्स कुछ मिल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से सिंगल लाउड स्पीकर भी है, तो ये फ़ोन मेरे हिसाब से 2.5 ग्लास डे। मगर यार ओवर प्राइज है दोस्तों, अभी प्राइस जो है वो उसकी निकल के नहीं आई है, मगर मेरे हिसाब से नोकिया जो है वो ऊपर प्राइस रखता ही है। बात कर लेते हैं नोकिया 3.1 के बारे में। हाँ दोस्तों, इसमें आप लोगों को मिल जाती है 5.2 इंच की वही HD+ की डिस्प्ले। तो वो डिस्प्ले दोनों का सेम ही है, बट वो थोड़ा बड़ा डिस्प्ले है, इसमें थोड़ा छोटा डिस्प्ले दे दिया है। फ्रंट आप लोगों को गोरिल्ला ग्लास की मतलब प्रोटेक्शन मिल जाता है, बहुत ही अच्छी बात है। MediaTek का 6750 का प्रोसेसर दे दिया है और Endonos का आप लोग को GPU मिल जाता है, माली का GPU मिल जाता है, 2 GB रैम और 3 GB रैम और 6 GB रैम, 2 GB और 16 GB आएगा, 3 GB और 32 GB वाला वेरियंट देखने मिलने वाला है। एक्सपेंडेबल 128 GB तक कर सकते हो। 30 मेगापिक्सल का आप लोग को बैक कैमरा मिलने वाला है, जो 1080 के रिकॉर्डिंग कर सकता है, ऑटो फोकस के साथ आएगा, सिंगल LED फ्लैश। बात करते हैं फ्रंट कैमरा की, तो दोस्तों फ्रंट कैमरा भी अच्छा मिल जाता है, आप लोग को 2900 mAh की बैटरी देखने मिल जाती है। तो यार इससे अच्छा तो नोकिया 2.1 भी था, 3 है तो 3.1 की बात कर रहा हूँ मैं। फ्रंट कैमरा आप लोग को 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है, जो वाइल्ड एंगल के अच्छे से फोटो खींच लेगा, तो ठीक है। आप लोग को इसमें प्योर एंड्रॉयड मिल जाता है, एंड्रॉयड ओरियो, तो यार ये भी कुछ अच्छी बात है। आप लोग को इसमें मिलता है ब्लैक कलर, व्हाइट कलर, व्हाइट आयरन मिलता है, तो नए नए कलर आए हैं भाई इस बार। तो मेरे हिसाब से ये फ़ोन भी ठीक है। अब इस प्राइस रेंज का जो पता चलेगा वो मैं आप लोग को लास्ट में बताता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं नोकिया 5.1, यानी 0.1 ना, पहले 6.1 भी आया था तो वो भी ठीक ही था, मतलब मुझे इतना पसंद नहीं आया था, क्योंकि आप जो भी नोकिया फ़ोन निकाल रहे हैं ना वो सब ओवर प्राइस जाते हैं, इसलिए मैं आजकल उसके ऊपर वीडियो भी कम बनाता हूँ, ठीक है। तो बात करते हैं 5.1 की, तो 5.5 इंच की आप लोग फुल एच डी प्लस की डिस्प्ले मिलने वाली, भाई डिस्प्ले चलो इस बार अच्छा दिया है। बात करते हैं प्रोसेसर की, तो MediaTek का हीलियो का P18 का प्रोसेसर मिलने वाला है, जो 2 GHz में क्लॉक्ड है A59 के साथ, तो ठीक है। 2 GB रैम वेरिएंट मिलेगा, 3 GB रैम वेरिएंट मिलेगा और 30 GB वाला मिलेगा, तो इसमें भी आपको ये मिलेगा। 120 आप एक्सपांड भी कर सकते हो। 16 मेगापिक्सल का बैक कैमरा देने मिलने वाला है, डुअल कैमरा मिलने वाला है बैक में आप लोग को, और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने मिल जा रहा है। 2970 mAh की आप लोग को फ्रंट मतलब बैटरी मिल जाती है दोस्तों, तो ठीक है बैटरी। मगर मैंने जैसे आप सबको बोला 4000 mAh की बैटरी तो देनी चाहिए थी, मगर ये बैटरी भी ठीक ठाक काम चल जाएगा, ठीक है। तो बात कर लेता हूँ, मगर एक दिन काम चलेगा, 2 दिन नहीं चलने वाला है। अब और ज़्यादा हैवी यूज़र हो तो भाई आधा दिन चलने वाला है, ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। 2.0 कर्व्ड ग्लास के साथ आता है, गोरिल्ला ग्लास इसमें भी आप लोग को मिल जाता है, तो यार ये आप लोग के ऊपर है। ये मुझे तीनों फ़ोन में सच अपनी ओपिनियन बताऊँगा, तीनों फ़ोन मुझे पसंद नहीं आए हैं दोस्तों, हाँ नहीं आए, क्योंकि यार नोकिया जो पहले करता था ना काम, वो अब इस बार नहीं कर पा रहा है यार। मतलब आप बहुत सारे लोग ले भी रहे होंगे यार, मैं नहीं नोकिया के मैं बुराई नहीं करूँगा यार, ये गलत हो जाएगा, मगर देखिए यार मैं बात सच बात करता हूँ, ओवर प्राइज हैं ये फ़ोन्स, तो यार कुछ मतलब नोकिया को संभाल के प्राइस फोन लॉन्च करने चाहिए। अभी तक मुझे बस नोकिया 7 प्लस लॉन्च हुआ है, वो भी थोड़ा ओवर प्राइज्ड है, बट ठीक है यार। अब चलो देख लिया हमने, फ़ोन लॉन्च हो गया है, मैंने आप लोगों को पूरा बता दिया स्पेसिफिकेशन क्या है क्या नहीं है,
तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों बात कर लेते हैं इन तीनों फ़ोन के प्राइस रेंज के बारे में। 2.1 की बात करूँ तो वो आप लोग को मिल जाएगा 7,700 रुपये में। अब बात करता हूँ मैं 3.1 जो आप लोग को मिल जाएगा 10,000 रुपये में। बात करते हैं 5.1 वो आप लोग को मिल जाएगा 14,000 रुपये। हाँ दोस्तों ये तीनों के ये कुछ प्राइस रेंज है। मेरे हिसाब से नोकिया ने कूट कूट के इसको ओवर प्राइस करके बनाया है। तो बस यार इस वीडियो में मैं आप लोग को यही बताना चाह रहा था कि ये फ़ोन पूरा ओवर प्राइस है, बिल्कुल भी आप इस फ़ोन के तरफ मत जाइएगा। रेडमी नोट 5 प्रो मिलता है, बहुत सारे फ़ोन आप लोग को मिल जाते हैं इस प्राइस रेंज में, 10 और जैसे फ़ोन मिलते हैं आप लोग को, रियलमी मिल जाता है, बहुत सारे नए नए फ़ोन आए हैं, तो वो मार्केट में आप लोग बिल्कुल चेकआउट कीजिए। इस फ़ोन को मतलब जो ये तीनों फ़ोन लॉन्च की बिल्कुल भी मत लीजिएगा। बैकग्राउंड आवाज़ बहुत ख़राब है इसलिए मैं जल्दी से वीडियो को एंडिंग करने वाला हूँ। तो मिलता हूँ आप लोग को अपने नेक्स्ट वीडियो में। बस वीडियो को लाइक करके जाना और मिलते हैं आप लोग को अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।